आइए देखते मजा आएगा। ए जी हाँ। राहुल मेडिकल से जाके तनी दवाई ले आई ना, जान तनी हमार आधा कपार हमेशा दुखाते रहा था। का हो गल जी? अरे जितना रही उतने न दुखी। ए जी मैगी लेके आई है, प्याज काट दिए हैं। हाँ हाँ आते हैं। बाप रे इतना प्याज, अरे मीठा ना हो जाएगा? आप उसका टेंशन मत लीजिए, ऐसा कड़वा बात बोल देंगे ना कि तीता लगने लगेगा। रे जानता रे, हम आज ना एक भूतनी के साया देखनी है। छी छी छी, पहले तो अगल बगल के औरत सके साया साड़ी देखत रहनी है, आतना लाज घोर के अपन पी गई बानी, साफ निर्लज्जे हो गई बानी, क्या भूतनी के भी साया साड़ी रोग नहीं हारा चला तानी? किससे बात कर रही हो? ओ दीदी कुछ दिन के लिए ना हमें बुला रही है। क्यों? ओ जीजा जी का तबीयत नहीं ठीक है। क्या हो गया जीजा जी को? अरे उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है। चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है? हाँ। हुआ क्या है? अरे क्या आपको बताएं, हम बता नहीं सकते हैं। बता नहीं सकती हो? हाँ। बवासीर हो गया क्या? ओह माय गॉड, वाओ, क्या बात है, क्या बात है, आज कल से अलग लग रही हो। अच्छा थैंक यू। वैसे आज कल से क्या अलग लग रही हूँ? कल भयंकर लग रही थी, आज भयानक लग रही हो। लगता है लगने वाला है कुछ। समझ रहे हो ना? ये लो, पड़ोसन का फोन आ रहा है, उठाओ और मेरे सामने बात करो। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। किस बात का? कि तुम्हारी भी कमर पर सेम उसी जगह पर तिल है जहाँ मेरे है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और तुम्हें पता है जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ऊपर वाला कोई ना कोई निशानी देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ये आपकी प्रैंक करने की आदत जाएगी नहीं ना। आपको खूब पता है कि मेरी बीवी आपकी सारी बातें लाउडस्पीकर पर सुन रही है ना? आपने भी ना मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। एक मिनट, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये प्रैंक है? अरे भाभी जी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए ना, कि मेरी कमर में कोई भी तिल नहीं है। बताओ पड़ोसन की कमर पे तिल है कि नहीं? मुझे भी लग रहा था ये प्रैंक है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। अच्छा बर्तन दो। सुनो। हाँ। तुम्हें पता है एक बात, पतियों की ना तीन तरीके की कैटेगरी होती है। अच्छा। नंबर वन वो जो हर हाल में अपनी बीवी का कहना मानेंगे, उसकी हर बात मानेंगे, चाहे बीवी करने को बोले या ना बोले। और नंबर टू वो है जो बीवी कोई काम बताए तो करेंगे और नहीं बताए तो अपने में मस्त रहेंगे। अच्छा। और नंबर थ्री, नंबर तीन क्या? मेरे जैसे बोल दो ना, जो अपनी बीवी का ना कहना मानता ना कोई काम करता। इधर उधर की बातें एग्जाम्पल क्यों दे रही हो? सीधा सीधा बोल दो कि तुम किसी काम के नहीं हो। वैसे तुम ना बहुत समझदार हो गए हो, पहले तो तुम एकदम बुद्धू थे, मेरी ना संगत का सर है। सुनो, हम कम से कम पतियों की कैटेगरी तो है, दो तीन चार जो भी है, तुम बीवियां तो सबकी सब एक ही कैटेगरी की हो, और एक ही काम है सबका, अपने पति का। हाँ हाँ बोलो, अपने पति का क्या? अपने पति का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ख्याल रखना,
उसका खाना पानी राशन बना के तैयार रखना, दिन भर उसके काम करना, देखभाल करना, और जब वो ऑफिस से लौट के शाम को घर वापस आता है ना, फिर उसकी सारी टेंशन एक ही पल में दूर कर देना। ये चलो ठीक है, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।